गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, ओके, जिसमें हमने डिसीजन मेकर्स कैसे डिसीजन लिया जाता है ना, ये सारे प्रोसेसेस के बारे में जाना, ओके। उसके बाद में हम पार्लियामेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि पार्लियामेंट में होता क्या है, क्या वहाँ पे डिस्कशन, डिबेट्स, लॉ, बिल कैसे पास होते हैं, ओके। आज हम जानेंगे द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, यहाँ पे जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे मोनार्किकल गवर्नमेंट पर, लेकिन वहाँ पर भी पार्लियामेंट है जो कि मिलकर वहाँ के पीपल्स के लिए डिसीजंस लेते हैं, ओके। पहले पार्लियामेंट को चेंबर हाउस, चैम्बर्स कहते थे या हाउसेस कहते थे, ओके। अब वन हाउस इज यूजली, जो हमारे यहाँ जो हाउसेस है वो दो टाइप के हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस और अपर चैम्बर और राज्यसभा, दूसरा होता है लोअर हाउस और लोअर चैम्बर और लोकसभा। अब एक ऐसा हाउस होता है जो कि जहाँ पर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिस जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको हम चुनाव में एज हमारा लीडर चुनते हैं, वो एक अलग वाले, मतलब जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, एक दूसरे हाउसेस में रहते हैं। और एक हाउस ऐसा रहता है जिनमें जो स्टेट के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो वहाँ के लेजिस्लेशन, जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जीतते हैं, उन लीडर्स को फिर उन दूसरी जो सदन है या दूसरी जो हमारे हाउस है वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। अब उसमें जो होता है वहाँ पर वो लोग इंटरनल वोटिंग आपस में लीडर्स करते हैं, किसको नॉमिनेट करना है और किसको जिताना है, और जो दूसरी जो एक सदन है, जो दूसरी हाउस है, वहाँ पर हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग, ओके। ऐसे ही हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा वही हाउस है जहाँ पर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा वो हाउस है जहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में जनता का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ पर लीडर्स इंटरनल वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं, ओके। अब ये जो राज्यसभा में जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, ये बेसिकली जो स्टेट असेंबलीज में जो इलेक्शंस जीते हुए रहते हैं, उन्हीं में से लीडर्स को चुना जाता है और उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है, और फिर उन्हीं में विद इन जो लोअर हाउस के पीपल उनमें वोटिंग होती है, जो लोकसभा के जो लीडर्स उनमें आपस में ही वोटिंग होती है, और फिर वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर राज्यसभा में उनको जगह मिलती है, ओके। अब ये जो सेकंड हाउस है या फिर जो राज्यसभा है, ये जो है वेरियस, ये लोग जो देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स में, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स जो होती हैं, इनको जिस एरिया दे रखा होता है, उनके वेरियस रीजन, लाइक राज्यसभा, लाइक एमपी के, जैसे एमपी के जो नॉमिनेटेड पर्सन जो राज्यसभा में मौजूद होंगे तो वो एमपी का पक्ष रखेंगे, ओके। वो जो वेरियस स्टेट और रीजन्स होते हैं उनके अफेयर्स से रिलेटेड वो वहाँ पर बात करते हैं, ओके। हमारी कंट्री में दो हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ओके। द प्रेसिडेंट जो है, हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा तो है, बट लेकिन ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। इसीलिए पहले क्या होता है, लोकसभा में कोई भी बिल है ना, इनिशियल सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि लोकसभा जो है सबसे ज़्यादा पावर एंजॉय करता है, उसका कारण ये होता है कि हमने उन्हें इलेक्ट किया तो वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, ओके। तो जो भी बिल होता है, कोई लॉ होता है, कोई पॉलिसी होती है, उसको सबसे पहले कहाँ अनाउंस किया जाता है, लोकसभा में, वो जो लोअर हाउस है वहाँ पर वो लोग डिस्कशन करते हैं, वहीं पर वो लोग अमेंडमेंट भी जो चेंजेस लाते हैं, अगर कुछ चेंजेस लगता है कि उस पर्टिकुलर लॉ में चेंज आना है, तो वो लोकसभा में किया जाता है। फिर वहाँ से जब पूरी सहमति से उसको एग्रीमेंट, सब सहमति से उसको पारित किया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है वो उसको पारित कर लिया जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बट लेकिन ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इज अ रोल प्ले करता है बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो फाइनल डिसीजन रहता है कि किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है तो प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसर्न पार्टी, जब इतने सारे लीडर्स जब कोई भी सर्टेन पॉलिसी या लॉ को जब सहमति दे देते हैं, तो वो भी ज़्यादातर समय सहमति दे देते हैं, ओके। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से हाउसेस जो है
सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला था कि लोअर हाउस एंड लोकसभा, अपर हाउस है ना राज्यसभा। तो यहाँ पे आपके माइंड में आया होगा कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होगा बिकॉज उसको अपर हाउस कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसका यही कारण है बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय अस, जनता ने इलेक्ट किया और उनके पास पावर्स होती हैं कोई भी पॉलिसी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे बिहाफ पे ले रहे हैं। सो मोस्ट जो पावरफुल अगर दोनों हाउसेस में देखें तो लोकसभा रहती है। ओके, इसके हम तीन पॉइंट्स में बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द पावर द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स, वो केवल स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड में वो डिसीजन ले सकते हैं। सपोज कीजिए कोई लॉ या बिल बना, ओके, लोकसभा में पारित कर लिया गया, राज्यसभा में आया, तो एक पर्टिकुलर जो मेंबर्स होते हैं लाइक पर्टिकुलर स्टेट लाइक मध्य प्रदेश के जो मेंबर्स जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड है या जो इलेक्टेड है, तो वो उस पर्टिकुलर राज्य में उस लॉ के खिलाफ एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं हमारे राज्य में पारित नहीं होगा। ओके, तो वहाँ पर ही पावर से कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड स्टेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस में वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, बट लेकिन ओवरऑल डिसीजन जो होता है वो लोकसभा ही लेती है। ओके, जैसे कि हम तीन पॉइंट में समझेंगे, जैसे कोई भी ऑर्डिनरी लॉ होता है ना, जो कि रिलेटेड नहीं होता है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड नहीं होता, कोई ऑर्डिनरी कोई भी लॉ होता है वो दोनों हाउसेस में पास किया जाता है, बट लेकिन कोई डिफरेंट बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन। बाय चांस लोकसभा के लीडर्स ने पास कर दिया और राज्यसभा में मिक्स्ड रिएक्शन आया कि दैट पास नहीं करना चाहिए, है ना, कुछ बात नहीं बनती, राज्यसभा में किसी कोई बिल अटक जाता है, तो क्या होता है कि दोनों जॉइंट सेशन लिया जाता है दोनों पार्लियामेंट का, कि लोकसभा के मेंबर्स भी रहेंगे उस मीटिंग में सेशन में और राज्यसभा भी रहेगी। अब राज्यसभा और लोकसभा में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि राज्य लोकसभा में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वो होते हैं 543। ओके, वेयर एज राज्यसभा में ओनली 235। तो यहाँ पर मेजोरिटी किसको मिलेगी? लोकसभा, सिंस क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी वो लॉ पारित हो गया, जब वो जॉइंट सेशन में लगता है तो वहाँ पर भी मेजोरिटी किसके पास रहेगी? लोकसभा में, और उस वजह से वहाँ पर वो लॉ पारित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर एक्सरसाइज है या भी ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है, बिकॉज जॉइंट सेशन में भी नंबर ऑफ पीपल जो लोकसभा के रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू राज्यसभा, और लॉ जो होता है वो पास हो जाता है। अब इसके साथ जब भी कोई फाइनेंशियल बिल होता है या फाइनेंशियल मैटर लाइक जैसे GST है या बजट होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर जो रहती है लोकसभा के पास ही रहती है। लोकसभा ने अगर बजट पास कर दिया है, वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, है ना, कोई बजट पास कर देता है, कोई मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ बना देता है, तो राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई पावर नहीं है कि उस लॉ को रिजेक्ट कर सके, द लॉ विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस और बजट रिलेटेड। ओके, द राज्यसभा केवल डिले ला सकता है, वो भी केवल 14 डेज के लिए, कि इसमें आपको चेंजेस कर दीजिए। अगर लोकसभा में वापस वो बिल आता है 14 डेज के विदिन, अगर वो बिल वापस आ जाता है कि इसमें आप चेंजेस करें, लोकसभा अगर वापस उसे बोलते हैं कि नहीं हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो विदाउट देयर एसेंट उस लॉ को पास कर दिया जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, only a person who enjoys the support of majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. इसके साथ साथ most importantly जो Council of Ministers होती है, जो government form होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो power रहती है वो लोकसभा के elected members के पास रहती है, क्योंकि जब Prime Minister का जब से कोई पार्टी जीतती है और वो जो विनिंग पार्टी जो लोकसभा में ही रहती है, बिकॉज जो इलेक्शन होते हैं जो आम चुनाव होते हैं उसी को हम लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उसी के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, उसी से हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होता है, तो जो भी पार्टी जीतती है तो उसका उस पार्टी का हेड होगा। तो अगर लोकसभा के कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको नॉमिनेट किया गया है कि हम इनको जो हमारी पार्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, और जितने भी जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के जिसको मेजोरिटी मिली वो अगर समर्थन देते हैं तो पर्टिकुलर पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इन केस शासन के दौरान जो 5 years का जो टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर का, उस दौरान अगर लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं करते हैं, या फिर वो ये बोलते हैं कि हमने जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया था वो हमें अब नहीं लग रहा है और हम अपना समर्थन इनसे छीनते हैं दैट ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज जो उनके यूनियन मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर्स हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, जो भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं,
और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको उनके उनको अपनी पोस्ट से या उनको अपनी जो पोस्ट है उनको क्विट करना पड़ता है या फिर रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ओके, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। इन तीन पॉइंट्स से हमें ये समझ में आता है। ओके, अगर हम लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के बारे में देखें तो आजकल लोकसभा चैनल्स हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आवर्स होते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। कई बार ज़्यादा बहस हो जाने की वजह से लोकसभा के सदन को एडजर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, और फिर कोई दूसरे टाइमिंग पर वापस से उस सेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। ओके, अब अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करना, तो हम स्टार्टिंग से हमें एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जाना, जिसमें पहले एक लॉ एक नोटिस आया था जिसमें गैजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश किया गया था कि दैट देयर विल बी रिजर्वेशन ऑन SEBC। ओके, तो वो तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन जो मतलब किसी मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन हो सकते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं जो कि उस मिनिस्ट्रीज के बिहाफ पर साइन करते हैं, तो वहाँ पर जो सिग्नेचर की थी वो किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं की थी, किसी लोकसभा के लीडर ने नहीं की थी, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने की। वहाँ पर सिग्नेचर करने वाले जॉइंट सेक्रेटरी थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी थे। ओके, तो उन्होंने साइन किया, इसका मतलब वो जो पर्सन थे उनका तो कोई हाथ नहीं था किसी भी टाइप के डिसीजन में, क्योंकि डिसीजन किसने लिए थे? लोकसभा के मेंबर्स ने, मंडल कमीशन ने। ओके, जो उसमें चेंजेस लाए थे, तो लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेंशन किन का था उस समय के ऑनगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इंटेंशन था कि ऐसा कोई लॉ बनाया जाए, उन्होंने वो प्रपोजल दिया, फिर उसको एग्जीक्यूट कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट हुआ, जब जो भी मिनिस्टर थे उन्होंने उस पूरे बिल को प्रपोज्ड बिल को पढ़ा, उसमें कोई चेंजेस लाना है तो वो भी चेंजेस किस कौन से किन को था, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे यानी पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको हमने चुना था पार्लियामेंट में, तो ये सारे जो पावर्स थे एक्सरसाइज किनने किए थे? जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने। पर लेकिन जो जॉइंट सेक्रेटरी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था इन द मेकिंग ऑफ डिसीजन, बट उन्होंने उस जो ऑफिस मेमोरेंडम या उस लॉ पर या फिर उस रूल पर उन्होंने साइन किया था, उनको गैजेट ऑफ इंडिया में शामिल किया था। तो इसका मतलब ये हो कि उनका तो कोई रोल नहीं था, और जो प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी मन की इच्छा थी, तो उन्होंने अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाया पार्लियामेंट में। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ देखी जाती है हमारे इंडिया में। ओके, जहाँ पे हम डे टू डे डिसीजन जो रहते हैं उसमें सुप्रीम पावर होती है वो लीडर्स की रहती है, उसको एग्जीक्यूट कोई और करते हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स होते हैं, और फिर जो फाइनल जो ऑफिशियल सिग्नेचर या फिर उसको वो कैसे एग्जीक्यूट करना है उस लॉ को, वो कौन डिसाइड करते हैं? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सो एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप के होते हैं, है ना, इन सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? किसी भी काम को एग्जीक्यूट करवाना। ओके, लाइक प्राइम मिनिस्टर का काम यहाँ पे क्या था कि उसको एक सा लॉ बनाना था, तो उसने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये ऑर्डर्स दिए कि आपको ऐसा लॉ या ऐसा बिल बनाना है जहाँ पर मुझे ये जो भी मैंने अपने मेरी इच्छा है कि कंट्री में ऐसे बदलाव होने चाहिए, ऐसे लॉ होने चाहिए, तो इसके लिए कोई लॉ प्रपोज करो उस, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो लॉ बनाना था उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए किसको जिम्मेदारी दी? जो भी कमेटी थी, फिर उस कमेटी ने उस लॉ को बनाया। ओके, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई, उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसके बाद में फाइनली लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। सो ऐसे है ना, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आप समझ सकते हो तो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको कि हम इलेक्ट करते हैं। ओके, अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव केवल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, लाइक जैसे आप सभी जानते हो 5 years में इलेक्शन होते हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस हो सकते हैं, है ना, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, और चुनाव जीतते हैं तो मे बी उनको इस बार मे बी कोई दूसरी पोजीशन मिल जाए, मे कोई दूसरी मिनिस्ट्री मिल जाए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो केवल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, वो टेम्प्ररी होते हैं। ओके, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप समझ सकते हो बाय द वर्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के थ्रू
एज वेरियस पोस्ट पे एज अ सिविल सर्वेंट ये रहते हैं। सिविल सर्वेंट यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देता है और वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में जो जो भी वर्क होता है उसको कंप्लीट करता है। मेनली जो भी पॉलिसीज़ या जो भी लॉ जो ये बनाते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि जो काम रहता है वो किन का रहता है, इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का काम है केवल लॉ को फ्रेम करना, ओके, लॉ को फ्रेम करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपने ऑफिस में रहते हैं, जहाँ भी उनकी डेजिग्नेशन रहती है उसमें वो रहते हैं, वो परमानेंटली वहाँ रहते हैं, ओके, वो डेजिग्नेशन परमानेंटली वहाँ रहती है, ओके। लीडर्स जो होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं हर 5 साल में, पर लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव दे आर फिक्स्ड, ओके। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो असिस्ट करते हैं उनको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कि कैसे काम का मतलब क्या मतलब एडवाइस दे के कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हर्डल्स क्या आ सकते हैं जो आप नया कानून बना रहे हो उसमें, वो एडवाइस दे सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं असिस्ट कर सकते हैं कि ये सारी हर्डल्स आ सकती है, इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है। तो यहाँ पर आपका मन में सवाल उठते होंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। एक तरफ हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावरफुल है या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अगर हम एजुकेशन वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहता है ना, वो कहीं ना कहीं जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है तो वो उसने कहीं ना कहीं उसकी पूरी एजुकेशन ली होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहीं वो एज एन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एज ए सिविल सर्वेंट अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं तो उसको फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू द लीडर्स जो कि उस समय जो कि वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। हो सकता है लीडर्स ही माइट बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो वेल क्वालिफाइड हो, पर लेकिन वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हेड बन सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो यहाँ पर वो पावर जो होती है वो किसकी ज़्यादा होगी, है ना। एक तरफ ऐसा है कि एक पढ़ा लिखा पर्सन है जो कि जिस पर शायद ज़्यादा नॉलेज हो एज़ कम्पेयर टू दैट लीडर, बट लेकिन जो पावर्स रेस्ट करती हैं ज़्यादा वो रहती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में। रीज़न ये है क्योंकि उनको जनता ने इलेक्ट करा है, है ना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अपने मेरिट पे आए हैं, ओके, पर लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको हमने हक दिया है कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। इसी वजह से जो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके। उनका काम केवल एडवाइस देना है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हमारे लीडर्स को एडवाइस दे सकते हैं, कोई परेशानी आती है तो उसमें वो गाइडेंस दे सकते हैं, और आने वाले समय में उस पॉलिसी की वजह से क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं तो उसको कैसे सही करना है, उस लॉ में चेंजेस लाना। तो वाइल फ्रेमिंग द लॉ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है उनका भी रोल रहता है जस्ट फॉर गिविंग द एडवाइस दैट कौन कौन सी मेजर हर्डल्स, लाइक वो बोलते हैं कि यू हैव टू, जैसे कि आप एक रिपोर्ट बनाई है कि इस लॉ से कितने लोग इफेक्ट पड़ सकते हैं कितने नहीं, तो वो रिपोर्ट बना के देना। फिर उसके बाद में जैसे एक बार लॉ पास हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव की हो जाती है, इन सिविल सर्वेंट्स की हो जाती है, कैसे पर्टिकुलर जो भी लॉ है या स्कीम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, ओके। जो फाइनल डिसीजन होता है मिनिस्टर से लेते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। और ये मिनिस्टर्स के जो पावर्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो डिसाइड करते हैं कैसे को पर्टिकुलर लॉ को कैसे उसको फ्रेम करना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और जो भी डिसीजन उस पॉलिसी में रहता है वो मिनिस्टर से लेते हैं। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ अ मिनिस्ट्री। द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। हालांकि मिनिस्टर जो होता है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं होता, बट लेकिन वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उससे समय समय पे टेक्निकल मैटर्स पे एडवाइस लेता रहता है। बट ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ प्लेस बिफोर हर मोर देन ऑप्शन, बट लेकिन वो भी एक टाइप का ऑप्शन ही रहता है किसी मिनिस्टर के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। मिनिस्टर्स उन सारे एडवाइस को ओपिनियंस को सुन के फिर वो अपने डिसीजन लेता है, बट ओवरऑल जो फैक्ट पावर जो होती है फाइनल डिसीजन की किसकी रहती है, मिनिस्टर्स की। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। दोज हू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड नॉट द एक्सपर्ट। और ये ऐसा होता है हमारे यहाँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, क्योंकि जो एक जो एक्सपर्ट होगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पॉलिसी
के लिए एडवाइस देगा, बट लेकिन जो लीडर्स रहते हैं वो ओवरऑल इश्यूज़ के बारे में जानते हैं, देश में क्या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, क्या सोशल इश्यूज़ हैं, क्या रिलीजियस इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इस बेसिस पे जो है पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास ज़्यादा पावर सजेस्ट करते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। और यही जो पावर्स हैं इन दोनों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स हम ये तो समझ चुके हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है उन्हीं के लीडर्स, उन्हीं के जो लीडर होते हैं उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है बाय द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट रूलिंग पार्टी जो जिन्होंने चुनाव जीता है, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानने की एक्चुअल में होते क्या हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।